नमस्कार। तो आज यहाँ पे हम यस बैंक स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। यस बैंक स्टॉक की बात की जाए तो आज देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी काफ़ी मार्केट में यहाँ पे टोटली सेलिंग प्रेशर था। काफ़ी सारे स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली थी। हल्के से स्टॉक पॉजिटिव थे पर बाकी सारे स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी। तो सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था काफ़ी ज़्यादा आज के दिन में मार्केट में। तो उसी का यहाँ पे सेलिंग प्रेशर यस बैंक में भी देखने को मिला। स्टॉक रिकवरी करते हुए ऊपर की तरफ चला गया था पर ऊपर यहाँ पे सस्टेन नहीं हो पाया तो गिरावट देखने को मिली आज फिर से एक बार। अपडेट की बात की जाए तो रिसेंटली कोई खास अपडेट तो सामने नज़र नहीं आ रहा पर आज 4% से ज़्यादा यहाँ पे गिरावट देखने को मिले स्टॉक के अंदर। एंड ऑफ द डे 17.55 पे क्लोजिंग दे चुका है। इम्पोर्टेंट बात यह कि देख सकते कि वॉल्यूम्स की बात की जाए तो नेगेटिव वॉल्यूम जनरेट हो रही है यहाँ पे, आप देख सकते यस बैंक में भी, क्योंकि स्टॉक यहाँ पे सस्टेन था पर 19 लेवल पे यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई दे रहा था स्टॉक। इम्पोर्टेंटली यहाँ पे उसको ब्रेक नहीं कर पाया, फिर से यहाँ पे पुल बैक नीचे की तरफ गिरा है। पर इम्पोर्टेंट बात यही है कि ऑरेंज कलर का 50 मूविंग एवरेज और ब्लू कलर का जो है 200 मूविंग एवरेज यहाँ पे क्रॉसओवर भी देखने को मिला था, जो कि एक पॉजिटिव बात है। स्टॉक नीचे की तरफ आता है तो 17 लेवल एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक्ट हो जाएगा। उसके पहले स्टॉक ने 17 लेवल पे काफ़ी दिन रेजिस्टेंस लिया था तकरीबन एक महीने तक, फिर उसको ब्रेक करने के बाद अभी नीचे आता है तो वो लेवल जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगी। वहाँ पे क्रॉस ओवर भी हुआ है और 200 मूविंग एवरेज भी सेम लेवल पे, तो यहाँ से पुल बैक होने के चांसेस बन सकते हैं यस बैंक के अंदर ऊपर की तरफ फिर से एक बार।